तो आज ना मुझे आलू परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाने का बहुत मन था स्पाइसी, तो बस मैंने फटाफट परवल को धुल के काट लिया है और अब मैंने ये पैन में तेल डाल के इसे मैं परवल को डाल दी हूँ। तो सबसे पहले ना मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ मस्टर्ड ऑयल में, और जब मैं सरसों के तेल में इसे थोड़ा फ्राई करती हूँ ना, उस टाइम मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिससे ना ये सब्ज़ी में इसका टेस्ट जो है परवल का बहुत ही अच्छा आता है। अब आप देखिए मेरे परवल अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, और अब मैं इसको निकाल के अलग रख लूँगी। और फिर जो बचा हुआ तेल है ना, उसमें मैं मिर्ची डाल देती हूँ, लहसुन डाल देती हूँ और अनियन डाल देती हूँ। बस अब ये प्याज भी डालती हूँ, और प्याज में मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और फिर इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने को छोड़ देती हूँ। प्याज मेरी पक गई है और ये मैंने बॉयल करके ना आलू कट करके ले लिया है, और ये मैंने ना इस मसाले रेडी किए हैं जिसे मैं इस प्याज में डालूंगी। इसमें मैंने जीरा, हल्दी और गरम मसाला मिक्स करके भिगा दिया था आधे घंटे पहले, उसका मिक्सचर है। अब ये देखिए मैंने मसाले को भून लिया, और मसाला जब कढ़ाई छोड़ दिया है ना, तेल छोड़ दिया है, तो उस स्टेज में मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। बस ये टमाटर मेरे अब मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए ढक के पका लूँगी, और अब मैंने इसको पकने को छोड़ दिया। अब देखिए ये टमाटर भी अच्छी तरीके से पक गया है, और इस स्टेज में ना मैं इसमें डालती हूँ पानी। तो बस अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और उसके बाद ना मैं इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए बॉयल कर लूँगी। फिर जब ये बॉयल हो जाएगा, उस स्टेज में मैं इसमें बाकी चीज़ें जो मैं बॉयल करके आलू रखी रहती हूँ और जो फ्राई करके परवल रखी रहती हूँ, उसको मैं तब इसमें डालती हूँ। बस अब ये बॉयल हो गया, अब इसमें मैं आलू परवल को डाल दूँगी। ये गया आलू और ये गया इसमें परवल, और फिर ना इस पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी इस पर कर देती हूँ, और इसको मिक्स करके ना मिला के फिर से ढक के छोड़ देती हूँ। फिर जब इसमें बॉयल आ जाता है, सब्ज़ी पक जाती है, बस हरी धनिया से गार्निश कर देती हूँ, और मज़ेदार सब्ज़ी रह